इस मूवी में हम प्रोजेक्ट में ड्यूरेशन को एंटर करेंगे। हम ड्यूरेशन को गैंट चार्ट व्यू के ड्यूरेशन कॉलम में एंटर करते हैं। हमने टास्क को टाइप कर लिया। हम ड्यूरेशन को ड्यूरेशन सेल में टाइप भी कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में से चूज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन टाइप डेज है। हम ड्यूरेशन सेल में ड्यूरेशन को टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेज में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ मिनट, आवर, वीक या मंथ को भी एंटर कर सकते हैं। हम मिनट के लिए MIN जबकि आवर्स के लिए HR टाइप करके एंटर की को प्रेस करते हैं। इसी तरह वीक्स के लिए W और मंथ के लिए MON टाइप करके एंटर की को प्रेस करते हैं। अब एक और टास्क को टाइप करते हैं। अगर हम मैनुअल स्केड्यूलिंग मोड को सेट करते हैं तो टास्क का एंटर करने पर ड्यूरेशन का सेल ब्लैंक रहता है, लेकिन अगर हम ऑटो स्केड्यूल मोड को सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टास्क का ड्यूरेशन 1 डे हो जाएगा और उसमें स्टार्ट और फिनिश डेट भी एंटर हो जाएगी। ड्यूरेशन के बराबर में हमें एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ड्यूरेशन में जो 1 डे ऐड किया हुआ है वो दरअसल प्रोजेक्ट ने एस्टिमेट किया है। जैसे ही हम ड्यूरेशन या स्टार्ट या फिनिश डेट को एंटर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क डिसअपियर हो जाएगा। हम टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स के ज़रिए भी ड्यूरेशन को ऐड कर सकते हैं। हमने टास्क पे डबल क्लिक किया। हम यहाँ ड्यूरेशन के बॉक्स में ड्यूरेशन को एंटर कर सकते हैं और अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब स्प्लिट स्क्रीन व्यू को यूज़ करते हैं। हम टास्क टैब के प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में डिस्प्ले टास्क डिटेल पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ भी ड्यूरेशन के बॉक्स में ड्यूरेशन को एंटर कर सकते हैं। अब इसे क्लोज कर देते हैं। हम प्रोजेक्ट में इलेप्स ड्यूरेशन को भी एंटर कर सकते हैं। इलेप्स ड्यूरेशन वर्किंग और नॉन वर्किंग डेज को रेफर करता है। अगर हम किसी टास्क को नॉन वर्किंग डेज में भी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो हम इस ड्यूरेशन को इलेप्स टाइम कहेंगे। इलेप्स ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए हम ड्यूरेशन में ई को एंटर करते हैं। मसलन अगर हमारा कोई टास्क 8 दिन तक कंटिन्यू रहने वाला है जिसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग डेज शामिल है तो हम ड्यूरेशन में 8 ई डेज को एंटर करेंगे। हमने इलेप्स डेज के लिए 8 ई डी को टाइप किया और अब एंटर की को प्रेस करेंगे। टास्क बार शो कर रहा है कि ये टास्क नॉन वर्किंग टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। इस मूवी में हमने ड्यूरेशन कॉलम, टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स और स्प्लिट स्क्रीन व्यू के ज़रिए ड्यूरेशन को एंटर किया। अब हम ड्यूरेशन के इस रिव्यू को कंक्लूड करते हैं।